नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम तीन पीएसयू स्टॉक्स का डिस्कशन करेंगे, गेल, भेल और सेल। तो हम देखेंगे कि इन स्टॉक्स को लेकर मार्केट में क्या न्यूज चल रही है और चार्ट के माध्यम से स्टॉक का एनालिसिस करेंगे। वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि चार्ट में आपको काफी समझ में आएगा कि टेक्निकल एनालिसिस हम कैसे करते हैं, उसमें आपको बेसिक्स काफी समझ में आएंगे। तो चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उसे जरूर ज्वाइन करिए। वहां पर हम एडवांस्ड एनालिसिस के बाद कॉल्स देते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, हमारे वीडियोस केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है, आप अपने एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करिएगा। आइए दोस्तों, अब भेल को लेकर देखिए। जो न्यूज आ रही है कि इन्होंने 51% का जो शेयर है भेल इलेक्ट्रिकल मशीन्स में, वो केरला गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दिया है। और अगर आप देखेंगे तो यहां पे आप देखिए दोस्तों, जो भेल को लेकर थोड़ी अभी बुरी न्यूज चल रही है, लोग कह रहे हैं कि 23 रुपए तक ये स्टॉक जा सकता है लॉस के बाद। एनालिस्ट कह रहे हैं कि अभी इसमें 62% तक का डाउनसाइड आ सकता है। रीसेंट राइज ऑन द स्टॉक वॉज मेनली ड्यू टू होप्स ऑफ डाइवेस्टमेंट एंड स्ट्रेटेजिक टाई-अप्स, बट ऐसा कुछ उतना हुआ नहीं और अभी क्या होगा डाइवेस्टमेंट का एकदम क्लियर पिक्चर अभी नहीं आ रही है। तो यहाँ पे आप देखिए कि रिटेल इन्वेस्टर के पास करीब करीब 15% के आसपास है। LIC इसका लार्जेस्ट नॉन प्रमोटर शेयर होल्डर है जिसके पास 10% का स्टेक है। तो गोल्डमैन सैच ने कह दिया है कि ये स्टॉक 23 रुपये तक जाएगा, तो बट ऐसा अभी मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। स्टॉक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे है तो आप इसमें पोजीशन बनाते हैं। आपको बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस रखना है 51 रुपीज़ का, और टारगेट्स हमारे बहुत बड़े बड़े रहेंगे। इसमें देखिए 64 रुपीज़ का पहला टारगेट, उसके बाद 70 रुपीज़ का, और फिर जो नेक्स्ट टारगेट हम देख रहे हैं 77 रुपीज़ तक के टारगेट्स को हम एम करके चलेंगे। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही फेवर है इस स्टॉक में हमारे, और जैसे ही यहाँ पे ये 62 रुपीज़ का 100 डे का मूविंग एवरेज क्रॉस करेगा, ये स्टॉक में नई ऊंचाइयाँ आ सकती है। बट क्योंकि थोड़ी नेगेटिविटी चल रही है तो आप प्लीज़ बिना स्टॉप लॉस के इसमें पोजीशन मत बनाइएगा, स्टॉप लॉस मेंटेन करके जरूर चलिएगा। गेल की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पे इन्होंने हाईएस्ट प्रोक्योरमेंट मिला है CPSEs बनाने का, ई मार्केट प्लेस के लिए है हाईएस्ट प्रोक्योरमेंट, 1033 करोड़ का मिले ना सेंट्रल पब्लिक सेंटर एंटरप्राइजेस के थ्रू। तो ये एक अच्छी खबर है इनके लिए, 2.5% उस दिन स्टॉक भागा भी था। और अगर मैं देखूँ दोस्तों तो यहाँ पे देखिए 12 LNG कार्गोस का इनका टेंडर है और इन्होंने स्वैप किया है LNG कार्गोस फॉर लोडिंग इन US एंड सीकिंग कार्गोस फॉर डिलीवरी इन टू इंडिया। तो ये भी एक दोस्तों अच्छी खबर है, इसके लिए वो टेंडर्स और ये सब चल रहे हैं अभी। तो चार्ट पे देखिए दोस्तों, तो यहाँ चार्ट पे देखिए दोस्तों, ये ट्रेंड लाइंस को ये स्टॉक बहुत ही परफेक्टली फॉलो कर रहा है। लोअर ट्रेंड लाइन की मैं बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए कितना परफेक्ट ये फॉलो कर रहा है। इस टाइप के स्टॉक्स हमें मुश्किल से मिलते हैं, बट मिलते हैं तो मज़ा आ जाता है। एक और मैं अगर ट्रेंड लाइन बनाऊँ दोस्तों, तो आप देखेंगे कि उसको भी ये काफ़ी अच्छा फॉलो कर रहा है। यहाँ पे ये देखिए कि ये वाले रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन को भी ये बहुत अच्छा फॉलो कर रहा है, तो बहुत बढ़िया ये ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है दोस्तों। तो आप अगर इस स्टॉक में पोजीशन बनाते हैं तो आपको ये वाली ट्रेंड लाइन के नीचे का स्टॉप लॉस रखना है, तो करीब 135 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा रहेगा। और इस स्टॉक में दोस्तों ये वाली जब ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाए 152 के ऊपर ही आप इसमें पोजीशन बनाइएगा, क्योंकि ये वाली एक रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन है। तो यहाँ पे देखिए 150 के ऊपर इसमें ब्रेकआउट हो जाएगा। थोड़ा सा मीडियम टर्म व्यू लेके चलिएगा इस स्टॉक में, तो स्टॉप लॉस हमारा रहेगा करीब करीब यहाँ पे जैसा मैंने बताया 135 के आसपास, और टारगेट्स हमारे रहेंगे 180 के आसपास के। तो ये थी दोस्तों मेरी एनालिसिस गेल की, बहुत ही बढ़िया तरह से ये ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है, तो ये देख के मजा आ रहा है। साथ ही दोस्तों, और अगर मैं गेल की बात कर लेता हूँ, तो यहाँ पे देखिए आप टारगेट प्राइस लोगों ने 200 रुपये तक की इस स्टॉक में बताई है, तो ये कि अच्छी बात एक आप कह सकते हैं कि इस स्टॉक के लिए है। इस अगर मैं देखूंगा मैन्युफैक्चरिंग शटडाउन सब कुछ आया था उसके बाद भी इन्होंने 24 बिलियन का एबिटा दिखाया था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर जरूर 6% की गिरावट दिखाई थी, बट 287% की ग्रोथ दिखाई थी इन्होंने ईयर ऑन ईयर, जो कि एक अच्छी खबर है। तो लॉन्ग रन में लोग इसमें काफ़ी ज़्यादा हाई भी देख रहे हैं, और हमारी ट्रेंड लाइन भी करीब करीब वही टारगेट सजेस्ट कर रही है। सेल को अगर मैं दोस्तों देखूँ, तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट फेज ऑफ एक्सपेंशन अपने स्टार्ट करेंगे 2023-24 के आसपास। इनके अगर मैं रिजल्ट्स की बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए इनका जो एबिटा है वो 6741 करोड़ का है,
और इनका जो एबिटा सेम क्वार्टर में एक साल पहले था वो करीब 70 का, वो -70 करोड़ का था। तो बहुत ही ज़्यादा इनके मतलब रिजल्ट आप कह सकते हैं अच्छे रहे हैं, और स्टॉक में अब हमें भागने की भी काफ़ी उम्मीदें चल रही हैं। इस स्टॉक की मैं बात करूँ दोस्तों, तो अगर आप इसमें पोजिशन बनाते हैं तो यहाँ पे देखिए 129 के आसपास इसका 50 डे का मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, तो आप 128 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं अगर आपका एकदम शॉर्ट टर्म व्यू है। और अगर थोड़ा मीडियम टर्म व्यू है तो फिर आप 115 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रखिएगा। टारगेट्स रहेंगे हमारे 140 एंड 150 के, तो डिपेंडिंग ऑन आपका व्यू क्या है आप अकॉर्डिंगली अपने स्टॉप लॉस को सेट करिएगा। और 150 के ऊपर गया तो इस स्टॉक में नई ऊंचाई आएंगी, तो ये 160-170 तक भी ईजिली जा सकता है। तो ये थी दोस्तों मेरी एनालिसिस, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और सीखने को भी आप कुछ मिला होगा। साथ ही आप हमें टेलीग्राम ट्विटर फेसबुक पे फॉलो करिए, ट्रेडिंग बुल्स के नाम से हमारा पेज है। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके मन में जो भी विचार हो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जल्द से जल्द उस पर रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।